हेलो फ्रेंड्स, पूनम्स किचन में बन रही है आज इस सुपर हेल्दी प्रोटीन रिच लो कैलोरीज वाली लो कार्ब्स वाली मूंग दाल इडलीस। इडली के अंदर की जाली देख रहे हैं, इसी से ही पता चल रहा है कितनी सॉफ्ट बनी है ये इडली। बनाने के लिए मैंने दही का इस्तेमाल नहीं किया है, तो अगर आप वीगन हैं तो आप भी ये इडलीस खा सकते हैं। सब्जियां डाली हैं इसमें, देख रहे हैं ब्राइट कलर्स, एंटीऑक्सीडेंट्स से भरी हुई। बच्चों को ये रंग बिरंगी इडलीस बहुत पसंद आती हैं। वेट लॉस जो करना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। वीडियो में मैं शेयर करूंगी एक बोनस रेसिपी, टमाटर की तीखी मसालेदार खट्टी मीठी चटनी। इस चटनी को आप एंजॉय कर सकते हैं इडली डोसा के साथ, चावल, रोटी, पराठा, नान, किसी भी चीज के साथ में खाएंगे ना, खाने के स्वाद को ये 10 गुना बढ़ा देगी। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपीज पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को याद से करिएगा लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। फिर मैं ट्राई करें और इंस्टाग्राम पर पोस्ट करें तो मुझे जरूर टैग कीजिएगा। मेरा इंस्टा हैंडल है पूनम्स किचन। चलिए शुरू करते हैं आज की ये रेसिपीज। मैंने 1 कप मूंगफली दाल को अच्छी तरह से धो लिया, 3 से 4 बार धोना है, और फिर उसे मैंने पानी में भिगो कर रख दिया, खुले पानी में। अगर तो आप रूम टेम्परेचर का पानी ले रहे हैं तो 3 से 4 घंटे में दाल सॉफ्ट हो जाएगी, और अगर आपको थोड़ी सी जल्दी है तो आप हल्के गुनगुने गर्म पानी में दाल भिगो कर रखते हैं तो 1.5-2 घंटे में ही दाल सॉफ्ट हो जाएगी। चटनी बनाने के लिए मैं लूंगी आधा किलो टमाटर। बढ़िया से लाल लाल टमाटर लीजिएगा, और ना हो लाल तो परेशान नहीं होना, क्योंकि हम साथ में मिर्ची पाउडर ऐसा लेंगे जिससे बढ़िया कलर आ जाएगा। खट्टे हो टमाटर तो बढ़िया है, नहीं तो उसकी भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रेसिपी में हम इस्तेमाल करेंगे इमली। घर में इमली ना हो तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसकी जगह मैं आपको आगे और सब्स्टिट्यूट बताऊंगी। अब देखिए, मैंने थोड़ा सा इमली का पेस्ट ले लिया है, आपके पास चाहे पेस्ट हो चाहे कच्ची इमली हो। इसमें मैं डाल दूंगी 1/4 कप हल्का गर्म पानी। ये हम बनाने लगे हैं इमली वाला पानी। इमली के पेस्ट को पानी में इस तरह से दबा दूंगी। अब जितनी देर में हमारे टमाटर पकेंगे तब तक इमली का जो रस है वह आ जाएगा पानी में, और यूज करने से पहले मैं इसे उंगलियों से अच्छी तरह से मस लूंगी पानी में, और फिर छान कर इस्तेमाल करेंगे। जो पानी छनेगा वह इस्तेमाल करना है। पहले मैं टमाटर को छोटा छोटा काट लूंगी और फिर पैन गैस पर चढ़ाऊंगी। इस रेसिपी में टमाटर को खोने हैं, इसलिए आप कोई भी कास्ट आयरन की या लोहे की कढ़ाई मत लीजिएगा। पैन हल्का गर्म हो जाए तो मैं इसमें डालूंगी आधा चम्मच मेथी दाना, आधा छोटा चम्मच, इससे भी आप कम लीजिएगा, हमें बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी चाहिए। बस इसे मैं ड्राई रोस्ट कर लूंगी 1 से 1.5 मिनट के लिए लो हीट पर। इसे भी साइड पर रखती हूँ, ठंडा हो जाए तो बाद में कूट लेंगे। अब इसी पैन में मैं लगाने लगी हूँ चटनी के लिए तड़का। गरम पैन में डालूंगी 2 बड़े चम्मच तेल। गरम तेल में डालूंगी 1 छोटा चम्मच सरसों और 2 साबुत लाल मिर्च। घर में अगर साबुत लाल मिर्च ना हो तो आप बाद में तीखी लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। लो हीट पर इन दोनों ही चीज़ों को भून लूंगी। अगर आपके पास घर में कड़ी पत्ता हो तो 5-7 पत्ते आप वह भी डाल सकते हैं। कुछ ही सेकेंड लगते हैं, सरसों चटकने लगती है और साबुत मिर्ची का भी कलर आपको चेंज होता दिखाई देगा। इसमें डालूंगी हींग पाउडर। मेरा हींग पाउडर बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है तो मैंने ज़्यादा क्वांटिटी डाली है। अगर आपके हींग तेज़ है तो आप क्वांटिटी कम ही डालिएगा। साथ ही डालूंगी 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और बहुत ही थोड़ा सा हल्दी पाउडर। अगर आपने साबुत लाल मिर्च नहीं डाली है तो इस टाइम पर आप तीखी लाल मिर्च डाल लें, आधा छोटा चम्मच। बस अब इन मसालों को 5-7 सेकेंड ही भूनेंगे, तेल काफी गर्म है तो इसमें मैं डाल दूंगी कटा हुआ टमाटर, अच्छी तरह से करूंगी मिक्स। देख रहे हैं कश्मीरी लाल मिर्च से कितना बढ़िया कलर आ रहा है। हीट को कर दूंगी मीडियम पर। इसमें डालूंगी 1 छोटा चम्मच नमक, बाकी नमक बाद में टेस्ट कर एडजस्ट कर लेंगे। और इसे मिक्स करके अभी ढककर मैं कुक करूंगी जब तक कि टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। मेथी दानों को भी कूट कर रेडी रखूंगी। ये बहुत ही थोड़ा सा डलना होता है, खास ध्यान रखिएगा, अगर गलती से भी ज्यादा डल गया तो फिर चटनी कड़वी हो जाएगी। टमाटर को मैं बीच बीच में चलाती रही हूँ। अभी देखिए 7 मिनट लगे हैं और टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। अब ढक्कन उतार कर ही इसे कुक करूंगी। चटनी बन रही है तो इसका पूरा पानी हमने सुखाना है। पानी नहीं रहेगा तभी चटनी लंबे समय तक चलती है। इसे 2 मिनट और कुक किया है, अब काफी पानी सूख गया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी ये इमली वाला पानी। जो छना हुआ पानी है वह इस्तेमाल करना है। इसमें कोई बीज नहीं होंगे, गूदा नहीं होगा, कोई फाइबर्स नहीं होंगे इमली के। अब इसमें साथ ही मिला दूंगी बहुत ही थोड़ा सा ये मेथी दाना का पाउडर, 1 छोटे चम्मच का 1/5 या 1/6 हिस्सा डालना है। साथ में डालूंगी 2 छोटे चम्मच पिसा हुआ गुड़। ये चटनी बनती है खट्टी मीठी, तीखी मसालेदार, खाकर मजा आ जाता है। अब इसे बराबर चलाते हुए तब तक कुक करना है जब तक ये सारा ही पानी ना सूख जाए। 3 मिनट के लिए और कुक किया है, अब देखिए काफी पानी सूख गया है। सब मैं टेस्ट भी कर लूंगी, और बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी टेस्ट करनी है, काफी तीखी होती है चटनी।
थोड़ा सा नमक मैं इसमें और डाल रही हूँ। अब अपने पसंद के हिसाब से इसमें नमक मिर्च एडजस्ट करें, और अगर आप इमली नहीं इस्तेमाल कर रहे तो आप इसे ठंडा होने के बाद इसमें नींबू का रस जोड़ सकते हैं। नमक डालकर इसे बस 1 मिनट और कुक किया है, और अब देखिए मसाला कैसे तेल छोड़ रहा है, इसका मतलब बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं रहा। अब गैस को करते हैं बंद, और इसे अब गर्म पैन में नहीं छोड़ना, हाथ के हाथ ही मैं इसे ट्रांसफ़र कर लूँगी एक एयरटाइट कंटेनर में। चटनी को इसी में ठंडा करेंगे और फिर ढककर फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में 4 हफ्ते तक चलेगी ये चटनी। इसे आप इंजॉय करें, इडली डोसा राइस रोटी परांठा सभी के साथ बहुत बढ़िया लगती है। आज वीडियो में मैं आपको चटनी की रेसिपी और इडली की बिल्कुल अलग अलग दिखा रही हूँ, नहीं तो घर में जब आप बनाएं तो जितनी देर में आपकी इडली स्टीम होगी उतनी देर में आप ये चटनी रेडी कर सकते हैं। अब आते हैं इडली की रेसिपी पर। दाल को मैंने 3 घंटे के लिए सोक कर लिया है, और अब देखिए काफ़ी फूल गई है, सॉफ्ट हो गया है दाना। इसे अब मैं छान कर डाल लूँगी अपने ब्लेंडिंग जार में। इसे ब्लेंड करने के लिए कम से कम पानी का इस्तेमाल करें, बस जितना ज़रूरत हो उतना ही पानी डालें। मैं ये रेसिपी वीगन बना रही हूँ तो मैं इसे पानी में ब्लेंड करने लगी हूँ। अगर आप दही खा लेते हैं तो आप इसे दही में ब्लेंड करिए, गाढ़े दही में। ब्लेंड करने के लिए बस जितना दही डालने की ज़रूरत है उतना ही डालें, 1 या 2 बड़े चम्मच ज़रूरत अनुसार। मेरा ब्लेंडिंग जार छोटा है तो मैं इसे 2 इंस्टॉलमेंट्स में पीसने लगी हूँ, और साथ में मैं पीस लूँगी 2 हरी मिर्च और 1 छोटा टुकड़ा अदरक का भी। दाल पीसने के बाद देखिए ये कंसिस्टेंसी आई है। पीसते टाइम मुझे 3 बड़े चम्मच पानी डालने की ज़रूरत रही है। इडली को खूब टेस्टी बनाने के लिए मैं इसमें डालने लगी हूँ एक स्पेशल तड़का। एक तड़का पैन में मैंने ले लिया थोड़ा सा तेल, और इसमें 1/2 छोटा चम्मच सरसों। सरसों चटकने लगेगी तो इसमें डाल दूँगी थोड़ी सी हींग, और साथ में काजू के कुछ टुकड़े, 3-4 पीस मैंने काजू के लिए उसे छोटा छोटा काट लिया है। ये डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, पर हींग और सरसों ज़रूर डालिएगा। लो हीट पर 5-7 सेकंड ही फ्राई करना है, तड़का जलना नहीं चाहिए। गैस को करते हैं बंद, और इसे फटाफट से ट्रांसफ़र कर देंगे मूंग दाल के पेस्ट में। इसमें डालूंगी 1 छोटा चम्मच नमक, आप अपने स्वाद अनुसार डालें। मैंने पहले ही इडली स्टैंड में पानी डालकर गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है। आगे प्रोसीड करने से पहले इडली ट्रे के सांचों में भी तेल लगाकर रेडी करके रखेंगे। इडली स्टैंड में पानी गर्म हो जाए तब मैं इस पेस्ट में मिक्स करूंगी 3 से 4 बड़े चम्मच घिसी हुई गाजर और इतनी ही बीट रूट। सब्जियां डालना ऑप्शनल है, आप इनके बिना भी बना सकते हैं, बस ये है कि सब्जियां डालने से इडली और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी। सभी चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप पेस्ट में जो नमक डालें वो ध्यान रखें कितनी सब्जी आप डाल रहे हैं, अकॉर्डिंगली उसके लिए नमक भी डालें। बीट रूट डाला होने की वजह से अभी तो इस पेस्ट का कलर पिंक हो जाएगा, लेकिन स्टीम होने के बाद फिर वह पिंक कलर इतना नहीं रहता, पर बीट रूट का इडली के अंदर बहुत बढ़िया कलर आता है। सब्जियां मिक्स करके मैं इसमें डालूंगी 1 छोटा चम्मच इनो, और इसके ऊपर डालूंगी थोड़ा सा पानी। जिस जार में मैंने दाल को ब्लेंड किया था उसी को ही मैंने रिंस कर लिया है, तो वही दाल वाला पानी डाल रही हूँ। थोड़ा सा ही डालना है, पानी डालने से इनो एक्टिवेट होता है। बस इसे अब बहुत ही हल्के हाथ से मिक्स करेंगे, लेकिन अच्छे से मिक्स करना है। फटाफट से ही बैटर को ट्रांसफ़र करेंगे इडली ट्रे पर। आप इस बात का खास ध्यान रखें कि बैटर में सब्जियां और इनो डालने से पहले स्टीमर में पानी गर्म हो गया हो। जितनी देर में आप इडली ट्रे को भरेंगे इतनी देर में ही पानी बॉयल होने लगता है। बैटर ट्रांसफ़र करने के बाद आप इस तरह से ट्रे को टैप भी कर दीजिए ताकि बैटर लेवल हो जाए। स्टीमर में पानी अच्छे से खौल रहा है, इडली ट्रे को फटाफट से ट्रांसफ़र करेंगे। 1 कप मूंग दाल के बैटर से 13 बड़े-बड़े साइज की इडलीज बनेंगी। इसके ऊपर लिड सेट कर देते हैं। हीट को कर दूंगी अब मीडियम पर, और इसे अब स्टीम करेंगे 10 से 12 मिनट के लिए। आप 9-10 मिनट के बाद एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अगर आपके पास घर में इडली ट्रेस ना हो तो आप स्टील की कटोरियों में या ग्लासेस में भी इस तरह से इडली सेट कर सकते हैं। मैंने अपने सूजी डिस्क वाले वीडियो में स्टील के बड़े बड़े ग्लासेस में सेट किया है बैटर को, और स्टीम होने के बाद आप उसे कट करके सर्व कर सकते हैं डिस्क की तरह। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर चेक कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है वह रेसिपी। अभी 11 मिनट हुए हैं, इडली को चेक करते हैं। ये देखिए अगर नाइफ डाल रही हूँ तो बिल्कुल क्लीन निकल कर आ रही है, गीला बैटर नहीं आ रहा है इसके ऊपर, यानी कि इडली स्टीम हो गई है बढ़िया से। गैस को अभी मैं कर दूंगी बंद और इसे ढककर ही छोड़ दूंगी 5 से 7 मिनट के लिए। उसके बाद हम ट्रेस को निकालेंगे और इडलीज को सर्व करेंगे। सुपर हेल्दी इडलीज, ना के बराबर तेल इस्तेमाल हुआ है, प्रोटीन रिच, लो कार्ब लो कैलोरीज, और इतनी सॉफ्ट बनती है ये इडलीज।
अभी तो मैंने इसमें दही नहीं इस्तेमाल किया है। अगर आप दही में दाल को पीसेंगे तो ये और भी ज्यादा सॉफ्ट बनेंगी और देखिए कितनी अट्रैक्टिव लग रही हैं। बच्चों के लिए तो ऐसी रंग बिरंगी इडलीज मजा ही आ जाए उन्हें। बिल्कुल गिल्ट फ्री सर्व करिए अपनी फैमिली को। मैं सर्व कर रही हूँ टमाटर की चटनी के साथ, आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है, वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज याद से करिए लाइक, कॉमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकॉन जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अभी के लिए है बाय। आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।